इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप ब्लूहोस्ट के साथ में कैसे अपना वर्डप्रेस वाला ब्लॉग सेटअप करोगे। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपना वर्डप्रेस ब्लॉग सेटअप करेंगे। तो उसके लिए हम होस्टिंग का जो इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लूहोस्ट का कर रहे हैं। इसके पहले मैंने होस्टिंगर पे भी बताया हुआ है, साइट ग्राउंड पे भी बताया हुआ है, और इस वीडियो में मैं ब्लूहोस्ट पे बता रहा हूँ। तो आपको जो भी होस्टिंग अच्छी लगे आप उसके साथ जा सकते हैं, बट ब्लूहोस्ट वर्डप्रेस के द्वारा भी रिकमेंडेड है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर wordpress.org वेबसाइट पे आप जाते हैं /hosting पे, तो यहाँ पर वर्डप्रेस ही जो होस्टिंग्स को रिकमेंड करता है सबसे पहले पे ब्लूहोस्ट को करता है, फिर ड्रीमहोस्ट को करता है, फिर साइट ग्राउंड को करता है। तो ब्लूहोस्ट काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है वर्डप्रेस के लिए और इनका स्पीड वगैरह भी काफ़ी सही है, तो आप जा सकते हैं। प्लस ब्लूहोस्ट के साथ मैंने टाई अप किया हुआ है, तो आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है यहाँ पर। आप देख सकते हैं जैसे स्पेशल ऑफर फॉर फैंस ऑफ सतीश के वीडियोस। तो आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया वहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आप इस पेज पे लैंड हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। यहाँ पर व्यू प्लान्स पे जाएंगे तो आपको नीचे यहाँ पे प्लान्स दिख जाएगा। वर्डप्रेस के लिए जो सबसे बेसिक प्लान है वो 175 पर मंथ का है, 299 जो दूसरा प्लस वाला जो प्लान है 299 पर मंथ का है, चॉइस प्लस है 299 पर मंथ। तो इसमें कैसा है कि जो जो लोग सिंगल ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं उनके लिए 175 पर मंथ वाला बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आपको एक डोमेन नेम भी फ्री मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पर 50GB का SSD स्टोरेज मिलता है। SSD का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर जो साइट की स्पीड होती है काफ़ी फास्ट होती है SSD की वजह से, और अनलिमिटेड डेटाबेसेस हैं, और 100+ फ्री वर्डप्रेस थीम्स भी आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे फ्री SSL सर्टिफिकेट है, फ्री डोमेन एक साल के लिए है जो 1400 रुपये का पड़ता है आपको। इसके साथ आपको और भी स्पीड बूस्टिंग CDN मार्केटिंग टूल, वेबसाइट स्टेट्स डैशबोर्ड और ब्लू होस्ट का SEO टूल्स भी आपको फ्री मिल जाता है, जिसकी कॉस्ट 4,299 रुपये पर ईयर होती है। तो इतना सब कुछ आपको मिल जाता है। तो मैं तो बोलूँगा कि अगर आप एक से ज़्यादा वेबसाइट होस्ट करना चाहते हो तो आप इस 299 वाले प्लान के साथ जाओ, बट अगर आप वेबसाइट शुरू कर रहे हो, बना रहे हो, बिगिनर हो, तो आप बेसिक प्लान के साथ भी जा सकते हो। तो दोस्तों क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर आपको जो फ्री डोमेन मिलता है आप चाहे तो ले सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन है तो आपको यहाँ वाले पे फिल करना है। अगर आप डोमेन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक blogbanalo.com में करके कर रहा हूँ। अगर ये अवेलेबल होगा तो ये डोमेन बाई हो जाएगा फ्री में ही। तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगा। ये अवेलेबल है, blogbanalo.com इज़ अवेलेबल। यहाँ पर अगर गूगल के साथ आप साइन इन कर लोगे तो ये सारे नाम आपको फिल नहीं करने पड़ेंगे। मैं अपना गूगल के साथ ही साइन कर लेता हूँ। आप पूरा डिटेल फिल कर सकते हो। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सारे डिटेल्स आप फिल कर लोगे, अच्छे से फिल करना है। और यहाँ पर जो पैकेज इन्फॉर्मेशन है अकाउंट प्लान में, 36 महीने का लेना है। अगर 36 महीने का लेते हो तो आपको 169 पर मंथ का मिलेगा। अगर आप 24 महीने का लेते हो तो 259 पर मंथ का मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप 12 महीने का लेते हो तो 279 पर मंथ मिलेगा। चलो मैं 12 महीने का ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये टोटल मुझे जो पड़ेगा वो 3,348 रुपये का पड़ेगा एक साल के लिए, जिसमें डोमेन भी इंक्लूडिंग है। तो बहुत ही अच्छा डील है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। यहाँ से आपको नाम वगैरह फिल करके, ईमेल एड्रेस, अगर आपका GST भी है तो GST आईडी डाल सकते हैं, जिससे आप क्लेम कर सकते हो बाद में। और यहाँ पर अगर डोमेन प्रोटेक्शन लेना चाहते हो प्राइवेसी, तो आप ले सकते हो। सिर्फ 37 रुपीज़ पर मंथ का है, जो एनुअली 450 रुपये का रहेगा। ये फ्री है, सेकेंड वाला ग्रो योर बिजनेस, ये फ्री जो SEO टूल्स है इसको ले सकते हैं हम। और यहाँ पर SSL सर्टिफिकेट 299 पर मंथ है, बट हमें एक SSL हमें फ्री मिलेगा, तो टेंशन नहीं है। और इसको एक्नॉलेज कर देना है, फिर उसके बाद हमें पेमेंट करना है। अब यहाँ पे दोस्तों पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हो। मैं UPI से कर देता हूँ, UPI से मेरे को ज़्यादा ईजी पड़ेगा। और यहाँ पे QR कोड है, सिंपली मैं स्कैन करके इसको पे कर दूंगा। मुझे 3,950 रुपीज़ पे करने हैं GST वगैरह सब मिला के, तो मैं सिंपली इसको स्कैन करके मैं पे कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो पेमेंट कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो ये साइनअप कंप्लीट हो गया है। अब मेरे को जो मेरा ईमेल आईडी है वहाँ पे कंफर्मेशन ईमेल गया होगा। अब मुझे यहाँ पर अपना अकाउंट सेटअप करना है। ये रिसिप्ट है, तो इसको मैं ब्लर कर दूंगा, आप ये रिसिप्ट देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर मेरा डोमेन नेम आप देख सकते हैं, blogbanalo.com, और यहाँ पे आपको एक पासवर्ड चूज़ करना है, ठीक है। तो पासवर्ड चूज़ करने के बाद आपको क्रिएट अकाउंट कर देना है। आप रेडी टू गो हैं, लॉगिन करिए। अपने जो भी पासवर्ड बनाया है आपको याद रखना है। अब पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है आपको फिर से। अब यहाँ पर लॉगिन कर दिए,
तो अब सीधा हम ब्लूहोस्ट के पोर्टल में लॉगिन हो जाते हैं। अब यहाँ से हम अपना ब्लॉग डिज़ाइन करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो हमारा ब्लॉग डिज़ाइनिंग का होगा कि हमें कैसे यहाँ पर थीम लगाने हैं, कैसे अपने को प्लगइन्स लगाने हैं, पेजेस क्या क्या ऐड करने हैं, सारी चीज़ें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट योर वेबसाइट, यहाँ पर हम अपना ब्लॉग ऐड करेंगे। अब जैसे आ रहा है कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हेल्प ले सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो नहीं ले सकते हो, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है यार, मैं आपको बता ही रहा हूँ ना। तो यहाँ पर आपका प्राइमरी पर्पज़ क्या होगा, तो हमारा ब्लॉग का है। जिनको स्टोर बनाना है स्टोर पे जा सकते हैं, बिज़नेस के लिए बना रहे हैं बिज़नेस पे क्लिक कर सकते हैं, पोर्टफोलियो रिज्यूमे बना रहे हैं तो यहाँ पे बना सकते हैं। मैं ब्लॉग पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप लाइक अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हो या फिर ब्लूहोस्ट के द्वारा जो बिगनर्स के लिए बनाया गया है उसके तरह करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर लिमिटलेस कस्टमाइजेशन करता हूँ, अपने हिसाब से मुझे करना है। यहाँ पर किस लिए आपका वेबसाइट है, किस टाइप का है, तो यहाँ पे ब्लॉग है, किससे रिलेटेड है, जिस भी फील्ड से रिलेटेड होगा आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एजुकेशन डाल देता हूँ। और किसके लिए आप वेबसाइट बना रहे हो, तो मैं बोल देता हूँ अपने लिए बना रहा हूँ, फिर कंटिन्यू कर देता हूँ। और अपने साइट का यहाँ पे नाम दे देना है, तो मैं अपने साइट का यहाँ पे नाम दे देता हूँ। टैगलाइन क्या होगा, क्रिएट अ ब्लॉग, ठीक है मेरा टैगलाइन हो गया। आप अपने हिसाब से अपना टैगलाइन डाल सकते हैं। अब यहाँ पर प्रीमियम थीम्स भी हैं और फ्री थीम्स भी हैं, तो जो आपको थीम समझ में आए शुरुआत के लिए आप कोई भी आप लगा सकते हो। मैं इसको लगा लेता हूँ, बाद में मैं इस पर चेंज करूँगा अपने हिसाब से। आपको एडवांस में जाना है, एडवांस मतलब इसका सी पैनल, तो यहाँ से हम सी पैनल पे जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये हमारा सी पैनल है, ऑलमोस्ट ये यूज़र फ्रेंडली। अगर आपने और सी पैनल यूज़ किया होगा तो ऑलमोस्ट सबका यही होता है। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर में आते हैं और वर्डप्रेस मैनेजर पे क्लिक करते हैं, क्योंकि अब हमें अपने साइट पे अपने ब्लॉग पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है वर्डप्रेस, जहाँ से हम अपना सारा कुछ करेंगे। जैसे आप देख सकते हो नो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन फाउंड, तो यहाँ पर हम इंस्टॉल पे सिंपली क्लिक करेंगे और अपना वर्डप्रेस और अपना ब्लॉग बनाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं blogbanalo.com, यहाँ पर क्विक इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्विक इंस्टॉल पे कर सकते हैं। बाकी एक बार चेक करते हैं, अपना ब्लॉग नेम यहाँ पे लिख लो, जो भी आपका ब्लॉग नेम रहेगा वो लिख सकते हो। और साइट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, सिंपल वे टू क्रिएट अ ब्लॉग, ठीक है। और यहाँ पर आप एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड अपने हिसाब से भर लेना, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से पासवर्ड भर लेता हूँ। और एडमिन, देखो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एडमिन रख देते हैं, पासवर्ड ऐसे नॉर्मली रख देते हैं, इसीलिए साइट जल्दी हैक हो जाती है। तो आप एडमिन की जगह पे कुछ और ट्राई करो, मैं कुछ और ट्राई कर लूँगा बाद में, अभी मैं शो बस एडमिन कर रहा हूँ। और यहाँ पर अपना ईमेल आपको डाल देना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी आप डाल दो, ताकि बाद में अगर पासवर्ड रिसेट करना हो तो इससे आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कुछ प्लगइन्स यहाँ पे चूज़ करना है, जैसे लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स, कई लोग अगर हैक करना चाहते हैं आप इसको कर दोगे तो दो तीन बार गलत डालने के बाद वापस लॉगिन नहीं कर सकते वो लोग। और साइट लैंग्वेज आप इंग्लिश कर सकते हो। उसके अलावा आप नीचे यहाँ पर एडवांस ऑप्शन में देख लो, एडवांस ऑप्शन को ऐसे ही छोड़ दो आप। फिर थीम में कोई भी एक थीम आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर ईमेल इंस्टॉलेशन डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हो। बाकी मैं यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। अब हमारा वर्डप्रेस यहाँ से इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बता रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ और ओवरराइड कर देता हूँ सारे फाइल्स को। फिर अपन इंस्टॉल करते हैं। अब यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो गया, तो 3 से 4 मिनट का प्रोसेस है, उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैं आप यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो वर्डप्रेस है इंस्टॉल हो चुका है। हमारा जो ये ब्लॉग है, वर्डप्रेस ब्लॉग है, ओपन करने पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा, हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, क्योंकि हमने अभी कुछ किया नहीं है। तो सिंपली हमारा ब्लॉग लॉन्च हो गया, अब हम इसको करेंगे डिज़ाइन, ठीक है। और हमारा जो एडमिन है, एडमिन यहाँ से खुलता है, कोई भी जो भी आप ब्लॉग बनाते हो उसके बाद जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है आपका डोमेन नेम .com/wp-admin, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे blogbanalo.com/wp-admin, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्लॉग का, ये जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर आप जेट पैक सेटअप करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं जेट पैक यूज़ नहीं करता, उससे साइट थोड़ी सी स्लो हो जाती है,
ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट काम करेंगे, प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे और थीम इंस्टॉल करेंगे। तो प्लगइन्स में कौन कौन से प्लगइन आपको इंस्टॉल करने, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है। यहाँ पर प्लगइन्स में आपको डालने हैं शॉर्ट पिक्सल, जो इमेज के लिए होता है, इमेज को कंप्रेस करने के लिए होता है। दूसरा रैंक मैथ SEO के लिए है। WP रॉकेट कैश के लिए है कि आपकी वेबसाइट को फास्ट रखेगा। TOC जो टेबल ऑफ कंटेंट बोलते हैं उसको यूज़ करना है। और वेब स्टोरेज, जो अभी वेब स्टोरेज काफ़ी बूम पे है, तो वेब स्टोरेज अगर आप डेवन से ही बनाते हो तो आपको ट्रैफिक मिलने के चांसेस है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन है बैकअप प्लगइन, जो अप ड्राफ्ट है, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, तो अप ड्राफ्ट करके है, ठीक है। और हम इसमें से जो प्रीमियम गिफ्ट करने वाले हैं, जो लोग खरीदेंगे हमारे होस्टिंग को हमारे लिंक से, उसका इन्वाइस अगर आप हमें मेल करोगे satishkvideos@gmail.com पे, तो हम आपको फ्री में सारे प्लगइन्स दे देंगे। अप ड्राफ्ट दे देंगे फ्री में, WP रॉकेट प्रीमियम वाला दे देंगे, और जनरेट प्रेस का प्रीमियम आपको थीम मिल जाएगा, जो अगर मोटा मोटी जोड़ोगे तो $1,000 का होता है। तो $1,000 हम आपको फ्री में दे रहे हैं। उसके लिए वही कंडीशन है कि आपको हमारे होस्टिंग से लेना पड़ेगा। आप हमें ज़्यादा सा फ़ायदा कराओ, हम आपको ज़्यादा सा फ़ायदा करा देंगे, ओके। सो ये प्लगइन्स आपको इंस्टॉल करने हैं, तो आप प्लगइन्स को सिंपली यहाँ पे प्लगइन्स पे क्लिक करके ऐड न्यू पे क्लिक करना है। और अगर हमने जो प्लगइन आपको भेजा है उस प्लगइन को आपने डाउनलोड करके आप सीधा लगा सकते हो, या फिर आप प्लगइन से सर्च करके, जैसे यहाँ पे बहुत सारे आपको प्लगइन्स दिख जाएंगे। एक प्लगइन मैं करके दिखा देता हूँ, शॉर्ट पिक्सल डाउनलोड कर लीजिए, जो इमेज कंप्रेशन के लिए होता है। शुरू से ही अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका साइट ऑप्टिमाइज रहेगा, जिससे फास्ट ओपन होगा। तो यहाँ पे शॉर्ट पिक्सल को इंस्टॉल कर लेना, सिंपली क्लिक करना है, इंस्टॉल हो जाएगा, और फिर एक्टिवेट कर देना होता है। अभी देखो इसको एक्टिवेट कर देना है। तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, API की वगैरह मांगता है, तो यहाँ पर API की के लिए आपको रिक्वेस्ट की करना पड़ेगा, फिर आपके ईमेल पे जाएगा, वहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा शॉर्ट पिक्सल पे वेबसाइट पे, फिर आपको API की मिलेगी, जो यहाँ पे API की डाल के वैलिडेट करना होता है, तो वो आप अपने से कर लोगे। चलो यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो डैशबोर्ड है, फिर Jetpack है, Jetpack प्लगइन मैं यूज़ नहीं करता, उसको मैं हटा दूंगा। पोस्ट है, यहाँ पर जो भी हमें ब्लॉग पोस्ट लिखने हैं यहाँ से हमें लिखने हैं, तो पोस्ट पर आप क्लिक करोगे, वहाँ पर ऐड न्यू करोगे, ऐड न्यू पे करोगे, तो फिर वहाँ से आप अपना आर्टिकल लिखना शुरू कर सकते हो। देखो ऐड न्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखो अभी आपका ओपन हो गया पोस्ट कैसे लिखना होता है। अभी देखो पोस्ट लिखने के बारे में डिटेल से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो वीडियो जरूर देख सकते हो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो वीडियो, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको कर सकते हो कैसे आर्टिकल लिखना होता है, ठीक है। तो मैं पोस्ट लिखना आपको नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में, अलग से मैंने बताया हुआ है। तो पोस्ट यहाँ से लिख सकते हैं, कैटेगरीज हम ऐड कर सकते हैं, जो आप मेन्यूज़ देखते हो ना, जैसे मान लो मेरा जो वेबसाइट है satishkushwaha.com, अगर इस जैसा बनाना है, सिंपल सा ब्लॉग आपको बनाना है, ज़्यादा आपको तिगड़मबाजी नहीं करनी है, तो आप जनरेट प्रेस थीम यूज़ कर सकते हो। ये देखो जनरेट प्रेस पे बना हुआ है, तो ये जो मेन्यूज़ है ना, ये मेन्यूज़ कैटेगरीज में ही बनती है, ठीक है। तो यहाँ से कैटेगरीज में जाके आप मेन्यूज़ यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। कैटेगरी कौन सी रखनी है, पेरेंट रखनी है, अनकैटेगराइज रखनी है, पेरेंट पे ही डाल दो, फिर यहाँ पर आके सेव हो जाएगा। जैसे मान लो आपने डाल दिया होस्टिंग, ठीक है, मैंने एक नया वो कर दिया, एक कैटेगरी मैंने बना दी, यहाँ पे देखो होस्टिंग कैटेगरी आ गई, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे कैटेगरी आप ऐड करते जाओगे। इसके अलावा यहाँ पे पेजेस हैं, जो पेजेस हमें मैंडेटरी होते हैं, अभी आगे वीडियो में भी आपको सुनने को मिलेगा कि अबाउट अस पेज, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर पेजेस, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारे बना के रखने पड़ते हैं। जैसे अगर आप मेरा ब्लॉग देखोगे तो यहाँ पे मैंने अबाउट अस बनाया हुआ है, और अगर नीचे आप जाओगे एकदम फुटर में जाओगे, यहाँ पे फुटर में देखोगे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कॉन्टेक्ट, ये कुछ पेजेस होते हैं जो हमें बनाने होते हैं। तो यहाँ पर इस पेजेस पे क्लिक करके आप ऐड न्यू करके आप वो पेजेस क्रिएट कर सकते हो। कोई भी पेज क्रिएट करना है प्राइवेसी पॉलिसीज़ का, आप सिंपली गूगल करोगे कि हाउ टू क्रिएट अ प्राइवेसी पॉलिसी फॉर अ ब्लॉग, तो आप सिंपली बना लोगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपियरेंस पे, थीम पे आते हैं। हमें यहाँ पे थीम अपना चेंज करना होगा, यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करना है और फिर जनरेट प्रेस सर्च करना है। तो अगर आपने हमारे लिंक से होस्टिंग लिया हुआ है तो आपको तो प्रीमियम वाला मिल जाएगा, बाकी यहाँ पे जनरेट प्रेस फ्री भी मिलता है, तो जनरेट प्रेस फ्री वाला हम इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, सिंपली एक्टिवेट कर लेना है। तो वर्डप्रेस की खासियत है कि आप यहाँ पर अपने हिसाब से सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कस्टमाइज़ करने के लिए कस्टमाइज़ पे क्लिक कर सकते हैं, विजेट्स वगैरह लगा सकते हैं, मेन्यूज़ प्रीमियम के लिए आपको खरीदना पड़ेगा यहाँ से, बट हम आपको प्रीमियम फ्री में दे रहे हैं, एक ये हो गया। इसके अलावा जो मैंने जितने भी आपको प्लगइन्स बताए वो सारे आपको इंस्टॉल करने हैं, रैंक मैथ वगैरह सारे जो मैंने बताए हैं वो इंस्टॉल कर लेने हैं। परमालिंक पर क्लिक करना है। अब परमालिंक में कई बार क्या होता है कि लोग डेट वगैरह लगा देते हैं अपने वेबसाइट में, तो आप आपको डेट नहीं लिखना है,
सिंपली पोस्ट नेम वाला स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट माना जाता है, तो पोस्ट नेम वाले स्ट्रक्चर को क्लिक करके यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ये सबसे पहले ये सेटिंग्स कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद अगर आपका ये ब्लॉग बन जाता है, अब आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस करना होता है, आपको गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना होता है। गूगल सर्च कंसोल में आपको दिखा देता हूँ, गूगल सर्च कंसोल, ठीक है, ताकि जब आप ब्लॉग पोस्ट लिखो तो आपकी साइट की इंडेक्सिंग गूगल सर्च में होए, उसके लिए हमें गूगल सर्च कंसोल का इस्तेमाल करना पड़ता है। और फिर गूगल एनालिटिक्स का इस्तेमाल करना होता है, गूगल एनालिटिक्स के साथ में कनेक्ट करना होता है अपनी ब्लॉग को। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप एक सिंपली सर्च से पता लगा सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मैंने बताया कि कैसे आपको होस्टिंग खरीदनी है, डोमेन खरीदना है और कैसे उसको कस्टमाइज़ करना है, वो मैंने प्रोसेस बता दिया है। ये आपको पूरा एक से दो दिन का प्रोसेस है, आप इत्मीनान से बैठ के आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो फिलहाल इस तरीके से आपका ब्लॉग रेडी हो जाता है। एक बार हम साइट विजिट कर लेते हैं, तो जब तक हम इस पर आर्टिकल नहीं लिखेंगे तब तक हमारे ब्लॉग का डिज़ाइन ऐसा ही दिखेगा। बाद में हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जब हम एक दो आर्टिकल डालेंगे ना और मेन्यू वगैरह क्रिएट करेंगे, तो हम इस तरह का अपना ब्लॉग बना सकते हैं।